हमारे गांव का पुनर्वास करें, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। भद्रावती तालुका के चेक बरंज की रहने वाली और ग्राम पंचायत की सदस्य गिरिजाबाई पंघाटे ने यह कहा। गिरिजाबाई पंघाटे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 20 वर्षों से कर्नाटक एम्टा कंपनी तालुका के बरंज में कोयले की खुदाई कर रही है। इस खदान के लिए बरंज, चेक बरंज और आसपास के क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन हमारे गांव का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। हमारे बच्चों को टिप्स नहीं दिए गए। धारा 4 के कारण हमें अपनी जमीन पर घर बनाने की अनुमति नहीं है। घर कुल योजना से वंचित होना पड़ रहा है। खदान में हुए विस्फोट से घर कांप रहा है। पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए हमारी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, नहीं तो हमें आत्महत्या का रास्ता अपनाना होगा। गिरिजाबाई पंघाटे ने भी प्रेस वार्ता में चेतावनी दी। साथ ही एक बुजुर्ग महिला सतपुते ने कहा, हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं और हमारे घर को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। प्रेस वार्ता में सत्यफूला राउत और पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य स्वीटी राम टेके मौजूद रही। दोन गाव चेकबरन आणि मानव आपला चेकबरन आणि बरन मुकासा ह्या दोन गाव मिळून खदान चालू केली आहे, तरी पण त्यांचा कोणताही निर्णय काही त्याने घेतला नाही आहे। आम्ही यमटावाल्याकडे गेलो होतो, यमटावाले म्हणता का तुम्ही ते केपीशेटवाल्याकडे जाला, केपीशेटवाल्याकडे गेलो तर तुम्ही म्हणता बेंगलोरला तुम्ही पत्रव्यवहार करा आणि त्यांच्यापर्यंत आम्ही टाकणार की नागपूरला जा असे, आम्हाला दिल्लीला जा असे म्हणून ते लोक आम्हाला सांगतात आणि कोणताच निर्णय घेत नाही, आम्हाला हाताळून त्याने नाही का आम्हाला वाटणं लावलं आहे। पण आता शेवटची एक माझी इच्छा आहे का, मी एवढ्या वर्षाची निवडून आली, तसेच मी सदस्य पण आहे चेकबरन मानोऱ्याची, तर माझी एक इच्छा आहे काय, काहीतरी आता ह्या शेवटच्या याच्यात आपलं काहीतरी नाव कोणी घेतलं पाहिजे अशी एक माझी इच्छा आहे आणि त्याने लवकरात लवकर निर्णय लावण्यात यावा आमचा, नाही लावला तर मी आपल्या जीवालाही उद्धार होणार आहे आणि करणार म्हणजे करणार।